राम राम जी सारा ने, स्वागत है आपका मेरा एक और नए ब्लॉग में। भी आ जाएगी मेरी बड़ी नंद और मैं अभी दुकान में बैठी हूँ क्योंकि सुबह सुबह आप सबको पता है मेरी ड्यूटी दुकान में रहती है। तो अभी मुझे जाके ऊपर बच्चों को भी उठाना है और सारा काम मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है तो मुझे काम भी करना है। तो मेरी बड़ी नंद आने वाली है तो गाइज मैं आपको दिखाती हूँ, उनसे मिलवाती हूँ आज। देखो गाइज ये आई मेरी बड़ी नंद। दीदी दीदी हाय बोलो, राम राम करो सबको। ये भांजा है बड़े वाला भाई, भाई बोल तो सही कुछ। हाय जी हाय। ये आ जाए जी, मैं आए जब मैं ब्लॉग बनाना भूल गई तो अभी याद आई है। हमारी सीमा बैठी है, यूट्यूब में लाइव बनानी पड़ेगा मम्मी। आए नंद मेरी जा चुकी है अभी और उनके जाने के बाद अब मेरी बेटी कर रही है कपड़ों के लिए जिद कि मुझे शॉपिंग करके आनी है। और फिलहाल मैं अभी दुकान में हूँ तो दोनों पापा बेटी अभी आ रहे हैं ऊपर से। पापा को बोल रही है कि मुझे शॉपिंग करके आनी है, मुझे कपड़े लेके आने हैं, मुझे पैसे दो। तो वो अभी दोनों अभी ऊपर ही है और आ रहे हैं अभी ऊपर से। तो अभी देखते हैं उसके पापा उसको पैसे देते हैं नहीं देते हैं। तो आ रहे हैं वो, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये शॉपिंग के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं अपने पापा से। तो देखिए गाइस पापा दे नहीं रहे, मेरे पापा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मेरे पापा बोल रहे हैं 2000 रुपए दो, 2000 रुपए में शॉपिंग होती है। गाइस देखिए मेरी बेटी कपड़े के लिए पैसे मांगने आई थी अपने पापा से, लेकिन इसके पापा को कोई अर्जेंट कॉल आ गया तो उन्हें अर्जेंट बाहर जाना पड़ा और तो अभी उदास बैठी है। देखिए इसे गरीब हो गई पैसे लोग कहते कि ठीक से बन के रहती है यार, घर वाले दिलाए पैसे कपड़े दो ही तो ठीक से रहूंगी, मतलब घर में तो सिंपल रहना चाहिए ऐसे मेरे घर वाले बोलते, इसलिए मैं निकाली। पर मेरे को एक हफ्ते कब जाना है, मैं ऋषिकेश ऋषिकेश अपने मामा के साथ जाएंगे, बड़े मामा के साथ। वो घुमाते ही रहते हैं इसके मामा तो। अभी पिछली बार कहाँ ले गए थे, वृंदावन, वृंदावन पहले हाँ पहले जनवरी में लेके गए थे खाटू श्याम और सालासर, फिर फरवरी में लेके गए थे वृंदावन और अब लेके गए, अब लेके जाएंगे ऋषिकेश और हरिद्वार। वहाँ के लोगों को कपड़े चाहिए, अब मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि तू जहाँ भी जाते तेरे को नए नए कपड़े चाहिए। तो गाइस एक को मैं रिपीट थोड़ा करूँगी, एक बार किसी में फोटो खींच गए तो फोटो खींच गए, उसके बाद रिपीट थोड़ा होते कपड़े। क्या करूं मैं इस लड़की का, क्या करूं? सूट एक बार पहनते तो दो बार पहन, तीन बार पहन, मैं सूट को दो बार पहनती हूँ एटलीस्ट, बस उसके बाद में सूट। गाइस किसी दिन है ना मैं जब दिखाऊंगी ना कपड़े आपको, देखना कि इसके कपड़े कितने हैं। तो मेरा सूट सारे आप नहीं पहनते अब? हाँ पहनती तो सारे सूट आपको। हाँ ये तो सही है कि मैं इसके सूट पहनती हूँ क्योंकि दो बार पहनती है, तीसरी बार फिर मुझे ही पहनने पड़ते हैं वो। और इसकी साड़ी भी अभी फेयरवेल पे साड़ी लेके आई थी, एक बार डाली तो अब वो मेरे काम आ रही है। तो भाई एक बार उसमें अगर फोटो खींच गए तो फिर वो फोटो फिर लोग बोलेंगे ना कि ये तो वही है ना जो तूने वहाँ पहने थे, तो वही है ना। और फिर मैं इसके कपड़े पहनती हूँ तो जाती ना पहन के, अरे जैसे कहीं भी जाती हूँ अपने, अरे मामी ये तो सीमा की साड़ी है ना, मामी ये तो सीमा का सूट है ना, तो सब पहचान लेते हैं। अरे सही है, कपड़े से तो पहचान दे, सही बात है। मुझे कपड़े चाहिए बस, अब मुझे सूट लाने हैं, मुझे कपड़े लाने हैं, मुझे ऋषिकेश के नाम कपड़े लाने हैं और अब मेरे को कॉलेज में जाना है, तो कॉलेज में भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को तो जाना। देखो गाइस कपड़ों के लिए कितनी दीवानी है ये लड़की, इसको कपड़े चाहिए ढेर सारे कपड़े। अम्मी ये तो रही दिख तो रही हूँ, अच्छा दिख रही है। गाइस आप अगर भिजवाना चाहो ना तो कपड़े भिजवा देना, देना पिंपल हो गया। मैं आज वो कर रही थी ना अपना स्किन केयर कर रही थी आज ये, स्किन केयर उल्टा पड़े, मतलब अभी वो लगेगा टाइम क्योंकि अभी मैंने कितने साल बाद, एक साल बाद 12th में मेरे को होश ही नहीं था कि मेरी शक्ल कैसी है कैसी नहीं, अब 12th खत्म हो गई, अब
अभी से होश आए पढ़ाई में बहुत शरीफ सी लग रही हूँ। माता श्री यू करते हैं फोन को आई आज मैं कितनी शरीफ सी लग रही हूँ। आज मैं भूत की चुटिया बनाए कितने दिनों तो गाइस फाइनली हो गई है एग्जाम से फ्री पढ़ाई हो गई है। अब इसकी शॉपिंग स्टार्ट होगी फिर से। कल भी शॉपिंग जाना है आज भी शॉपिंग जाना है मतलब दूसरे तीसरे दिन इसको शॉपिंग करने जाना है। इसको सूट चाहिए अब कहीं भी जा रहा हूँ तो इसको सूट चाहिए इसको कपड़े चाहिए सूट भी और यू नो वैसे भी कपड़े चाहिए बाहर। फिर मैंने आया पापा मगर चलो आप चलो अंदर आपके बिना तो पैसे ही ना मिलेंगे गाइस पैसे दे दो गाइस रूठ गए हैं मुझसे क्योंकि मैंने इनको बोला कि आप बाहर जाओ तो ये रूठ गए और मुझसे बात नहीं कर रहे हैं गाइस मम्मी ने कान में उंगली देके खड़े थे बाहर गाइस मम्मी ने काम बनने से पहले मम्मी ने काम बिगाड़ दिया पैसे 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 मेंटल कपड़े लेने जाने हैं बदतमीज व्हाट बदतमीज पैसे चाहिए पैसे रोकड़ा मांगता है रोकड़ा इस बात का कपड़ा कपड़ा का मम्मी कपड़े को क्या बोलते हैं वस्त्र क्लॉथ क्लॉथ्स क्लॉथ्स इंग्लिश में तो मुझे भी आता है। अच्छा अच्छा वस्त्र वस्त्र वो आए थे लाल लाल आई मैं शॉपिंग के लिए पैसे दे रहा हूँ या नहीं आप तो बड़ी बात कर दी अभी पापा देखो अभी निकाल पापा ही निकाल बता ही दो आज आज हम अपना प्यार दिखा दो पापा जी प्यार ना बेटा देख ले गाइस हैंस प्रूव्ड प्यार नहीं है। चलो फिर मम्मी हम किसके बालक हैं लहसुन वाले ली थी तुझे पता है माँ मेरे तो बता गई थी आप प्याज वाले तो लेते आज तक बताई हमने आपका दिल रखा ना कितने तो कोई प्याज वाले से ले रखा कोई लहसुन वाले से कोई कबाड़ी वाले से बेटा कबाड़ी वाला था गली में पहले तो छोटी सी थी इतनी सी तो गाइज अभी कोई आ गया है दुकान में तो हम आ गए हैं ऊपर। तो गाइज अब हम आ गए हैं ऊपर तो देखते हैं क्या आज सिमरन को पैसे मिलेंगे तो देखते हैं ब्रेक के बाद। गाइज मेरे को पैसे मिलेंगे मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं अपने पापा को मना सकती हूँ। यस इसको ही बोलते बेटी बाय इतना नहीं बोल रही कभी मेरी बेइज्जती हो जाए बाय।